अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूं राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकरीरी का मामला एक हफ्ते के लिए मौखर हो गया, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन गैर फाल होने का खतरा पैदा हो गया। डॉक्टर शीरी मजारी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरान की तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलोचिस्तान के मेंबरान की तकरीरी पर गौर किया गया। इजलास में परवेज खटक, राजा परवेज अशरफ, मुशाहिदुल्ला, शीजा फातमा, आजम स्वाति, नसीबुल्ला और डॉक्टर सिकंदर भी शरीक हुए। रियासत मदीना में मुरीद के एक मजलूम खानदान इंसाफ का मुंतजर। पुलिस के तशद्दुद से मारे जाने वाले नौजवान जिशान के मुलजमान 7 माह बाद भी आजाद घूम रहे हैं। बुरसा का एहतजाजी मुजाहरा, मुलजमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। बुरसा का कहना है कि सदर पुलिस पेटी बंद भाइयों को गिरफ्तार करने के बजाय हमें धमकियाँ दे रही है। जड़ावाला तहसील का वाहिद अराजी रिकॉर्ड सेंटर टाउट माफिया और करप्शन का गढ़ बन गया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अफसरान ने टाउट माफिया के आगे घुटने टेक दिए। वजीर आला पंजाब और चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। टाउट माफिया सरेआम ADLR के दफ्तर में आने जाने में मसरूफ, अवामुल नास का वजीर आला पंजाब से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा। न्यूज रूम से फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।